मध्य प्रदेश के देवास जिले के सैनिक मुकेश पटेल की लद्दाख में ड्यूटी के दौरान दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। इसकी खबर जैसे ही उनके गांव पहुंची तो परिवार सहित पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई, जिसके बाद गुरुवार को उनका पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा, जहां सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके एकलौते 16 साल के बेटे ने मुखाग्नि दी। शहीद मुकेश पटेल के अंतिम दर्शन में हजारों लोग शामिल हुए और हर एक ने नम आंखों के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी। दूर दूर से आए लोगों ने भारत माता की जय, मुकेश भैया अमर रहें, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। खबरों के मुताबिक 40 साल के मुकेश पटेल लद्दाख में हवलदार के पद पर सेना में तैनात थे। 5 दिन पहले उनके सीने में दर्द उठा और कुछ ही देर में उनकी मौत हो गई। वह परिवार से मिलकर नवंबर महीने में ही छुट्टी के बाद ड्यूटी के लिए गए थे। मुकेश पटेल की पत्नी अनीता पटेल और उनके 2 बच्चे आयुष व रिया देवास में रहते हैं। आपको बता दें, मुकेश आर्मी में 24 साल से सेवा दे रहे थे। अगले साल 1 मार्च को उनका रिटायरमेंट था। न्यूज़ डेस्क।